वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल, कार इंटर में आप लोगों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टोयोटा की फॉर्च्यूनर के बारे में। सो इसके अंदर जो हमने जो भी मॉडिफाइड किए हैं, ये बेसिकली इसके अंदर हमने अलॉय से लेके स्पीकर्स, डैम्पिंग वगैरह सब कुछ किया। तो आपको इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल मिलेगी कि हमने इसके अंदर क्या क्या चेंज किया है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो फॉर्च्यूनर देख रहे हो, तो जैसे कि मैंने अभी आप लोग बताया कि इसके अंदर हमारी जो मॉडिफिकेशन होगी, सो मैं आप लोगों को बता दूं कि गाड़ी कल से आई हुई है। तो अभी तक इसके अंदर जो काम हुआ, मैं भी आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि फ्रेंड्स, जैसे कि इसके अंदर हमने अलॉय इंस्टॉल किए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हो जो हमारे जो अलॉय इंस्टॉल किए गए हैं। अब अगर हम इसके अंदर बात करते हैं अलॉय इसकी, आप लोग लुक ओवरऑल चेक कर सकते हो। साथ ही अगर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं कि जो इसका टायर साइज है फ्रेंड्स, वो इसका जो टायर साइज रहेगा हमारे टायर का, वो रहेगा 285/502R20। तो ये 20 इंच का हमारा टायर साइज रहेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं हमने इसके अंदर इंटीरियर में और क्या क्या चेंज हमारे अभी हुए हैं, अभी तक जो हमारी गाड़ी तैयार हुई है उसका क्या क्या हुआ है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंटीरियर के अंदर हमारा क्या हुआ है। सो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारे टेस्ला की तरह हमारा टेस्ला स्टीरियो इंस्टॉल किया गया। सो टेस्ला का हमारा स्टीरियो इंस्टॉल किया गया। बाकी जो फुल डिटेल्स होंगी वो हम एक बार भैया से कन्फर्म कर लेंगे कि इसके अंदर हमारा और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो वीडियो के अंदर भैया से हम एक बार बात कर लेंगे कि भैया इसके अंदर और क्या क्या चेंज हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हो अभी इसका एक तो हमारा एम्पलीफायर लग गया SNB का, और फ्रेंड्स साथ ही हम लोग बात करते हैं उधर हमारे स्पीकर्स लग गए, ट्विटर लग गए, कंपोनेंट्स लग गए हमारे। और अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि जो गाड़ी है जो उसके अंदर फुल डैम्प हो गई हमारी गाड़ी, और जो पूरी जो गाड़ी की जो डैम्पिंग है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि हमारी गाड़ी कहाँ से दिख रही है कि डैम्प हो गई है। सो अब इसके अंदर अभी फ्लोरिंग भी होगी। सो मैं आपको एक बार डैम्पिंग दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर कि हमारी फ्लोर हमारा पूरा डैम्प हो चुका है। आप लोग देख सकते हो हमारा फ्लोर जो है वो पूरा फ्रंट से डैम्प हो चुका है। सो आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ मैं एक बार, जो हमारा फ्लोर है वो डैम्प हो चुका है। और हमारी जो फ्रेंड्स, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा जो डोर पैनल है वो भी डबल डैम्पिंग लेयर्स के साथ डैम्प हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता था कि ये गाड़ी कल से आई हुई तैयार होने, तो अभी तक इसके अंदर जो जो काम हुआ उसके बारे में मैंने आप लोगों को गाड़ी की उसके बारे में मैंने आप लोगों को इंटीरियर के बारे में बता दिया कि इसके अंदर हमारा क्या क्या काम हुआ है। तो जैसे कि आप गाड़ी की रियर प्रोफाइल देख रहे हो, तो फ्रेंड्स रियर प्रोफाइल के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जो हमारी जो रियर टेल लाइट्स हैं वो हमने इसके अंदर कस्टम मॉडिफाइड किया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो जो आजकल इसके अंदर आती है। और ये LED हमारी लाइट तैयार हुई है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ऐसी स्टॉक से नहीं आती। साथ ही हम इसके साथ बात करते हैं, आप लोग दोनों तरफ के हमारे रियर टेल लाइट्स देख सकते हो। फ्रेंड्स, इधर आपको बम्पर पट्टा देखने को मिल जाता है फॉर्च्यूनर का, जैसे कि आपको फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा फॉर्च्यूनर लिखा आता है उसके ऊपर हमने ब्लैक स्मोक किया। सो बाकी जो हमारी जो बाकी ठीक अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो फ्रेंड्स जो हमारे इसके अंदर और भी जो चेंजेस थे फ्रेंड्स, वो आप लोग देख सकते हो कि इसका सीट्स नहीं है। तो सीट्स जो है वो अब सीट कवर्स के लिए तैयार होने गई हुई है। सो इसके अंदर रिफ्लेक्टर्स भी हम लोगों ने इंस्टॉल किया गया, तो आपको एक बार रिफ्लेक्टर्स भी दिखा देते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर रिफ्लेक्टर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। सो इसकी जो रिफ्लेक्टर्स की जो लाइट्स वगैरह हैं, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर दिखा दी जाएगी। इसका पार्ट टू जल्दी ही इस चैनल के ऊपर देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या और हो रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो इसके अंदर फॉर्च्यूनर की बैजिंग लग रही है, तो एक बार भैया से पूछे थे, भैया ये जो बैजिंग है ये डबल टेप से लगाई जाती है या विद ग्लू लगाई जाती है? डबल टेप लगी होती है इसके अंदर। अच्छा, तो ये मतलब हमें और भी किसी गाड़ी की मिल जाती है अलग से, हम किसी और के लिए मंगवाए तो? मिल जाती है, क्रेटा वगैरह, क्रिस्टल। ठीक है, तो बाकी फिर आपको पूरी तैयार होने के बाद एक बार इस पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी पूरी फॉर्च्यूनर तैयार होने के बाद। सो हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि इसके अंदर की हमारी जो फॉर्च्यूनर थी ये जैसे कल आई हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था इस वीडियो के अंदर। तो एक बार हम दीपक भैया से पूछते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या होना है। तो भैया, इसके अंदर क्या क्या काम अभी हो चुका है, जैसे गाड़ी कल आई थी और आज इसके अंदर सारा तैयार करके इसको भेज देंगे? इसके अंदर हमने कल तो फ्रेश पेपर डैम्प करी है और इसका अभी फ्लोरिंग स्टार्ट करके फ्लोरिंग हो रही है। इसके सीट कवर है, हमने इसमें टेस्ला लगाए और स्टेयरिंग कवर है इसके अंदर, और बाकी बाहर मोनोग्राम वगैरह आपने देख लिया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने इसके अंदर लाइट्स के अंदर अपग्रेड किया, जो कि हमारी वाइट LED लाइट्स गई हैं। तो एक बार इसका थ्रो भी आपको चेक करा देंगे। फॉगलम्स भी है, अभी सिर्फ फॉगलम्स का ही आप थ्रो देख सकते हो। इसके साथ अभी हम आपको लो बीम और हाई बीम चेक कराएंगे, आप लोग एक बार देख सकते हो। आप एक बार थ्रो चेक करा देते हैं, एक बार आपको हाई बीम और लो बीम चेक कराते हैं। ये अब होगी हाई बीम और आप चेक कर सकते हो हाई बीम का। तो एक बार इसका आपको थ्रो दिखा दें, तो आप लोग खुद थ्रो देखो। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमने अलॉय व्हील्स भी इसके अंदर अपग्रेड किए हैं। तो एक बार अलॉय व्हील्स के अंदर आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर लाइट इंस्टॉल की गई है। सो ये जब चलती है तो बहुत ही बढ़िया लुक देती है, जैसे कि मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। और साथ ही हमने इसके अंदर फॉर्च्यूनर, जैसे आप देख रहे हो कि जैसे जहाँ पर हमारी डोर लाइटिंग आती है वहाँ पर फॉर्च्यूनर भी लिखा आता है, और दूसरी साइड पर इसका अपोजिट होगा। तो दीपक भी हमारे साथ, एक बार हम दीपक भी ऐसे फॉर्च्यूनर जरूर समझेंगे कि भैया जो ये आप देख रहे हो जो फॉर्च्यूनर जैसे लिखा हुआ आता है इसके अंदर, तो ये हमें हर गाड़ी के लिए पहले जैसे आपने मेरे को वीडियो में बताया मिल जाता है, तो इसमें क्या पेस्टिंग में कोई इशू तो नहीं रहता जैसे कि हम बात करते हैं इसमें? नहीं, पेस्टिंग में कोई इशू नहीं रहता है। इसके पीछे डबल टेप लगे होते हैं पहले, हम इसके पीछे प्रमोटर लगा के और पेस्टिंग प्रॉपर हो। अब एक बार हम बात करते हैं, हमने इसके अंदर जो रियर के अंदर जो हमने इसके लाइट्स अपग्रेड करी थी, तो एक बार हम उसकी बात करते हैं। हाँ जी, तो रियर लाइट्स के अंदर भी कुछ ऐसा रहता है कि हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं या हमें मिलती है? नहीं, ये तो कस्टमाइज हो जाती है। और ये किसी भी गाड़ी की मिल जाएगी आपको?
कि हमें किसी भी कार की मिल जाएगी। हाँ, किसी भी गाड़ी साथ में इसके अंदर रिफ्लेक्टर्स इंस्टॉल किए। हाँ, रिफ्लेक्टर लगाया हमने, एक सिलेंसर कैप लगाया, सिलेंसर कैप भी लगा, एक बम्पर पट्टा लगाया हमने पीछे। ठीक है, तो ये हमारा सिलेंसर कैप ही रहा, साथ बम्पर पट्टा आ गया। तो बाकी एक बार हम इंटीरियर में ही बैठ के पता करेंगे। साइड में बात करता था मैं, साइड में क्या चेंज किया इसके अंदर? सबसे पहले मैं अलॉय से बात करता हूँ, अलॉय के अंदर लाइट वगैरह। हाँ, अलॉय के अंदर लाइट लगाई है हमने, एक साइड में तो लगाया, इसमें फ्रंट में एलईडी लगाई है, एलईडी अपना पर हेडलाइट में और फॉग लैंप में। अब जो ये फॉर्च्यूनर का, जैसे कि आपने गाड़ी के अंदर बता दिया, तो इंटीरियर के अंदर आपने कुछ यूनिक कैसा किया है? इंटीरियर के अंदर इसके अंदर सीट को अलग लग रहे हैं और फ्लोरिंग हो रही है इसके अंदर, स्टीयरिंग तो ये जो भी है, मैं जैसे इसके अंदर अपना वो देख रहा हूँ स्टीरियो, तो ये टेस्ला शेप में है। हाँ जी। तो ये क्या मतलब, किस कुछ का होता है, कौन से ब्रांड का होता है और ये कौन कौन सी गाड़ी के लिए हमें मिल सकता है? ये भैया अपना हाइपरसोनिक का है। अच्छा, ये मतलब कि जैसे फॉर्च्यूनर हो गया, न्यू फॉर्च्यूनर होगी, ओल्ड होगी, एक्सयूवी होगी, और मतलब जो एसयूवी कार्स हैं उनके लिए मैक्स हो रहा है, मतलब कि जिनका प्रॉपर टेस्ला मिल जाता है हमारे को। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं, तो हमने इसके अंदर क्या क्या मतलब कौन कौन से स्पीकर्स कंपोनेंट इंस्टॉल किए गए हैं? इसके अंदर हमने हाइपरसोनिक के ट्यूटर लगाए और S&B का एम्प लगाए, और बेस ट्यूब में बात करी जाए तो हर्ट्ज की हमने बेस ट्यूब लगाई, इसमें इंक्लोजर लगाया हर्ट्ज का जो प्रॉपर बना है। ठीक, बात करते हैं गाड़ी के सीट कवर्स की। सो सीट कवर्स आप लोग देख सकते हो, इसकी फुल फिटिंग हम आप लोगों को दिखाते हैं, फुल बकेट सीट कवर्स है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इसकी आपको फिटिंग एक बार चेकआउट कराए थे कि जो गाड़ी के जो आप जैसे इसके वो देख सकते हो कि फुल बकेट आपको देखने को मिलते हैं। साथ में आप स्पोर्ट देख सकते हो, आपको कितनी बढ़िया यहाँ पे स्पोर्ट देखने को मिलेगी। साथ ही हम लोग बात करते हैं, आप लोग प्रॉपर वे से देख सकते हो कितना तरीके से इसके अंदर हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। थर्ड केबिन के भी सीट्स दिखाए थे कि जिसको उसकी आप फिटिंग चेक कर सकते हो गाड़ी के अंदर सीट्स की, कितनी बढ़िया तरीके से गाड़ी के अंदर सीट्स की फिटिंग आई है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।